नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आपका सेल्स कंसल्टेंट और सेल्स ट्रेनर। आज का टॉपिक जो है नेपाल मार्केट के ऊपर। मैंने जो दो दिन से नेपाल मार्केट में स्टडी किया हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है यही है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि MRP क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनकी पॉलिसी क्या है। आज मैं इस वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ MRP फ्लक्चुएशन कैसे होता है और उसके क्या कारण है, और साथ में कौन कौन से डिपार्टमेंटल स्टोर यहाँ पे बिग जाइंट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए नेपाल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं MRP वेरिएशन से। MRP वेरिएशन क्या है? जैसे कि एक्सचेंज इंडियन रुपीस यहाँ पे 100 का 160 होता है, उसी तरह से यहाँ पे MRP भी वेरिएशन आ जाता है और साथ में आपके प्रोडक्ट की MRP बढ़ जाती है इन नेपाल करेंसी में। जैसे कि हम अगर डायमंड वेफर की बात करें जिसकी MRP मात्र 30 रुपये है, वो 70 रुपये में बिक रहा है। उसी तरह पार्ले जी जो छोटा वाला 4.5 रुपये MRP है, वो 10 रुपये में बिक रहा है। बाइट बिस्किट है जिसकी MRP 5 रुपया है, वो भी आपको 10 रुपये में। ये हो गया फूड के बारे में। नॉन फूड में स्पेशली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट के ऊपर मैंने फोकस किया था इस बार। तो होम क्लीनिंग प्रोडक्ट में जैसे कि हार्पिक 85 है 500 ml का, जिसका कॉस्ट नेपाल करेंसी में 170 हो जाता है। उसी तरह वैनिस 58 रुपीज वाला जो वैनिस है, उसकी कॉस्ट MRP नेपाली में 99 हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो नेपाल में आने के बाद, इंडियन प्रोडक्ट नेपाल में आने के बाद रेट बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ और डिस्प्ले में कुछ इमेजेस भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें आप अच्छे तरह से समझ पाए। ये रहा MRP वेरिएशन के ऊपर। इसके बाद अब हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रेड के बारे में। यहाँ पे तीन बड़े चैन हैं। मैं तीनों बड़े चैन से मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी वार्म वेलकम मिला मुझे, और साथ में इंडियन प्रोडक्ट के बारे में भी मैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया, फूड नॉन फूड कैटेगरी के बारे में। तीनों जगह सिमिलर क्वेश्चन था मेरा और तीनों जगह सिमिलर मुझे आंसर भी मिले। जैसे कि अगर मैं भाट बटानी की बात करूँ, या सेल्सबेरी की बात करूँ, या बिग मार्ट की बात करूँ, ये तीनों जगह गया, तीनों जगह के कंसर्न पर्सन से मिला। मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि फूड में भी स्कोप है, नॉन फूड में भी स्कोप है, बहुत स्कोप है इंडियन प्रोडक्ट का। पर यहाँ पे क्लासिफाइड है इंडिया के जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है वो भी अवेलेबल है, और इकोनॉमिकल प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। जो भी कस्टमर मॉडर्न ट्रेड में जाते हैं, इनके स्टोर में आते हैं, वो सेटिस्फाइड होके जाते हैं, परचेस करके जाते हैं। सारे प्रोडक्ट इनके पास, बास्केट बड़ा है, कैटेगरी बड़ी है, इनके स्टोर का साइज बड़ा है, सब हाइपर फॉर्मेट में है मोस्टली नेपाल में। दोस्तों ये तीन अगर आप टैप कर लेते हैं, इजीली आप नेपाल मार्केट में इंटर कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं इंडिया से नेपाल में, प्लस साथ में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा। आपको कुछ ना कुछ, जिस तरह से इंडिया में प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं, नेपाल में भी फ्री सैम्पलिंग एक्टिविटी, ये सारी चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को माइलेज मिलेगा। डिपेंड अपॉन आपके प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं, आप रिस्क लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते नेपाल के अंदर, ये आपको सोचना है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ के स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट और कुछ इसका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या थिंकिंग है इंडियन प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पे किस तरह से काम होता है, क्या लॉ फॉलो होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून।